रत्न मेमोरियल पब्लिक स्कूल रैंपस में 3 दिवसीय इंटर स्कूल बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय के बैडमिंटन कोर्ट में प्रारंभ हुआ, जिसमें 17 विद्यालयों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस प्रतियोगिता में मुख्य निर्णायक की भूमिका में राष्ट्रीय रेफरी दिग्विजय यादव, मुख्य कोच बैडमिंटन सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर उपस्थित रहेंगे। सोमवार को उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि इस तरह के खेलकूद प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में अध्ययन के अलावा छिपी हुई नर्सिंगिंग प्रतिभाओं को उजागर करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को अपने नियमित अध्ययन के साथ साथ खेल कूद की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जिससे उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास हो सके। इस अवसर पर विद्यालय की प्रशासिका विनीता श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य राजकुमार श्रीवास्तव, विद्यालय के खेलकूद प्रशिक्षक गजेंद्र सिंह एवं रैंपस की शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रही। And this also reminds me of my school days. When I was in school, it was a very prestigious school. And this week, it was public school competition. This week, all over India, se bachcha hai. Guduri school, Ganesh school, Kilani school. Puri all over India, se jitne bhi reputed schools hote the, wo aage the. And this way, in the public school competition category. I would also like to welcome the 2 officials who will give the time on this prestigious tournament. Mr. Digvijay Yadav Sir, Sayyad Modi Stadium, and the national referee. Along with them, I would also like to welcome Mr. Avneet Yadav. These 2 officials will do the refereeing of all the matches. They prepare all the teams. Teams is in progress. So please give a huge round of applause. Keep on clapping. I request all the participants to please introduce themselves. Along with which school you have come, introduce yourselves. The 2 dynamic ladies in action. Very nice.